दोस्तों, क्या रोनाल्डो जो है वो भैया बेंच होने वाले हैं दी अपकमिंग गेम्स ऑफ पुर्तगाल इन यूरो 2024। रॉबर्टो मार्टिनेज़ का क्या कहना था इसके बारे में, बहुत कर्रा जवाब दिया उन्होंने, बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। ऑल्सो फ्रिम्पोंग टू एफसी बार्सिलोना से रिलेटेड क्या रूमर्स निकल करके आई हैं, अपडेट है आप लोगों के लिए। और आइगोर स्टेमेक ने कैसे इंडियन फुटबॉल को एक्सपोज किया है, आज की वीडियो में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ फ्रांस वर्सेस नीदरलैंड का बोरिंग गेम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। फुटबॉल फैन हो तो भैया रिग्रेट नहीं करोगे, ये मेरा वादा है। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक चीज के साथ, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फ्रांस वर्सेस नीदरलैंड वाला गेम। मैं तुमको सच बात बताऊं, अगर ये मतलब जो 90 मिनट फ्रांस वर्सेस नीदरलैंड देखने में लगा है ना, अगर मैं वो 90 मिनट भाई अपने भाई को उसके ब्रेकअप से मूव ऑन करवाने में लगवा देता तो वो मूव ऑन कर चुका रहता। अगर मैं 90 मिनट में द बॉयज़ का नया सीज़न का एक एपिसोड देख लेता तो मेरा दिमाग फ्रेश हो गया रहता। अगर ये मैं 90 मिनट बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ चुका होता तो भाई मेरे को आशीर्वाद मिल चुका रहता भगवान से। अगर मैं ये 90 मिनट भाई सो गया रहता ना तो मेरा पावर नैप हो जाता भाई। लेकिन 90 मिनट में क्या चूज़ किया कि नीदरलैंड वर्सेस फ्रांस देखूंगा रात को। भाई क्या गंदा गेम था भाई, भगवान कसम। मिडफील्ड और डिफेंसिव काम करिए, दोनों टीम का अटैकिंग लाइन तो कुछ करे ही नहीं। मतलब नीदरलैंड के लिए भी तुम ये कह सकते हो, फ्रांस के लिए भी ये कह सकते हो। फ्रांस में एक बहुत बड़ा फ्रॉड प्लेयर है, उसका नाम है डेम्बेले, और नीदरलैंड में एक बहुत बड़ा फ्रॉड प्लेयर है, उसका नाम है मेम्फिस डिपाय। ये दोनों कुत्ते लोग जब एक पिच में हो तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुमको कोई गोल देखने को मिले। फ्रांस में भी ग्रीजमान ने क्या चांस मिस किया भाई। चलो ठीक है, वो ग्रीजमान का चांस मैं ये भी बोलूं, देखो रोबियो के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है कि रोबियो को कैसे कामाविंगा के ऊपर खिलाया जा रहा है। ऑल द रोबियो का ये परफॉर्मेंस मेरे को अच्छा नजर आया। रोबियो ने वो पास शायद नहीं देना था, शॉट लेना था, लेकिन वो बॉल थोड़ी आगे चली गई थी रेबियो से, तो रेबियो गोल नहीं मार पाता, शॉट नहीं ले पाता, तो उसने पास करने का सोचा ग्रीजमान को। ग्रीजमान को पास एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि उसके ऊपर पास आएगा, तो वो बॉल जब मारने की कोशिश किया तो गिर गया, तो वो भैया बहुत गंदा तरीके से फंबल हुआ। ठीक रही बात यहां पे नीदरलैंड की, नीदरलैंड वाले बॉल तो बना दे रहे हैं, फ्रिम्पोंग लेके बॉल दौड़ जा रहा है, लेकिन यहां मेम्फिस डिपाय को जो बॉल मिल रही है फिनिश करने के लिए, ये आदमी ही फिनिश्ड है तो ये बॉल क्या फिनिश करेगा, ये गोल क्या फिनिश करेगा भाई। मेम्फिस डिपाय ना बस लुक्स वाला है, ओनली एस्थेटिक्स, नो गेम प्ले। मस्त से बैंड लगा के आएगा सफ़ेद कलर का, सोचेगा मैं हीरो दिख रहा हूँ, ब्रेड्स करवा के आ जाएगा। रैप भाई, तू रैपर है, तू गाना गा, फुटबॉल मत खेल। पता नहीं क्या करता है मेम्फिस डिपाय यार, इतने चांसेस फ्लफ करे उसने। और रही बात डेम्बेले की, डेम्बेले साल में एक गेम बहुत अच्छा खेलता है, बस एक गेम अच्छा खेलता है, उसके बाद पूरा साल गंदा खेलता है। वो एक गेम अच्छा भी, वो कमीने को बार्सिलोना के खिलाफ ही खेलना था, ये भाई कुछ काम का नहीं है डेम्बेले। तो विदाउट एम्बाप्पे फ्रांस एकदम टूथलेस नजर आ रही थी। नीदरलैंड का मैं क्या ही बोलूँ भाई, उनको तो मैं भाई ऐसा वॉक ब्रेकहास्ट जो नाम है उसका, ब्रेकहास्ट, वो ज़्यादा अच्छा प्लेयर नज़र आता है मेम्फिस डिपाय से। भाई क्या बोलोगे, बहुत बोरिंग गेम, बहुत बेकार गेम, लेकिन कुंडे इज़ एन इन एक्सेप्शनल प्लेयर भाई, मैं ये बोलूँगा कुंडे इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर, लाइक वर्ल्ड टैलेंट है कुंडे भाई। और कुंडे जैसा प्लेयर अगर बार्सिलोना के पास है तो बार्सिलोना को बहुत खुश रहना चाहिए। और आखिरी में मैं ये बस बोलना चाहूँगा कि ये फ्रांस वर्सेज नीदरलैंड वाले गेम से किसी का कुछ भला हुआ नहीं, सब बोर हुए, लेकिन फ्रांस और नीदरलैंड का भला हो गया। दे नाउ शेयर पॉइंट्स इन देयर ग्रुप रिस्पेक्टिव, और पोलैंड सबसे नीचे है, तो पोलैंड का तो हालत ख़राब है, तो फ्रांस और नीदरलैंड जो है वो नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हैं, ये चीज़ क्लियर है। ये कहानी थी भैया रिव्यू की, अब बिगिन करते हैं खबरों से। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद फ्रिम्पोंग की जो है वो खबर। सो अपेरेंटली फ्रिम्पोंग जो है वो बार्सिलोना के रेडार में चल रहा है, और वेरियस मल्टीपल आउटलेट्स ने ये चीज़ अब कंफर्म कर दी है। आज रिशाद की तरफ से एक ट्वीट आया था जहाँ पे उन्होंने कोट किया बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोगों को जो बार्सिलोना की तरफ से सच्ची और भाई साहब ऑथेंटिक खबरें पोस्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो भाई रिशाद के ट्वीट से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। फैब्रिजियो रोमानो का कहना ये है कि हांसे फ्लिक फ्रिम्पोंग में ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम आप कह सकते हैं प्यार में लीन है, और उनका कहना ये है कि भाई साहब उनको जो है वो एक ऑप्शन रखिए अगर कंसेलो का जो डील है वो कॉम्प्लिकेट होता है तो। आगे जिजेंटिस एफसी जो ऑब्वियसली जेराल्ड रोमेरो का है, जेराल्ड रोमेरो भी कहते हैं कि फ्लिक वांट्स हिम इन द नेक्स्ट सीजन। ओरियल जो अलग एक जर्नलिस्ट है उनका भी कहना ये है कि फ्लिक हैज़ आस्क्ड फॉर हिज साइनिंग अ प्रायोरिटी
फॉर हिम. सो जितना आप रिपोर्ट फॉलो करिएगा सोशल मीडिया में, जितना ये बार्सिलोना की जर्नलिस्ट लोग से ये खबर निकल करके आ रहा है, इट हैज़ बीन रियली वेरी क्लियर दैट हांसी फ्लिक ने ये चीज़ एकदम क्लियर एकदम ले आउट कर दी है कि हाँ भाई फ्रिंपोंग इज़ अ प्लेयर विच हांसी फ्लिक अप्रिशिएट्स अ लॉट एंड उसकी साइनिंग जो है वो बार्सिलोना को कर लेनी चाहिए. तो बार्सिलोना में बार्सिलोना के कैंप में जब भी ट्रांसफर के बारे में बात हो रही है तो फ्रिंपोंग एक प्लेयर जो है वो हमेशा आ रहा है. फ्लिक ने भी जो है वो बातें कह दी है जिस बहुत ज़्यादा क्लियर है. अब दोस्तों यहाँ पे कहानी ये है कि आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या बार्सिलोना फ्रिंपोंग को साइन कर सकती है. तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि क्या साइन करना चाहिए या ना करना चाहिए. तो इसका जवाब तो आप मुझको दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपने कल होपफुली नीदरलैंड वाला गेम देखा है तो आप बताइए. लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में फ्रिंपोंग की साइनिंग थोड़ी सी रिस्की हो सकती है. रिस्की इसलिए हो सकती है बिकॉज जितने ऑफेंसिव ट्रेड्स रखता है उन ऑफेंसिव ट्रेड्स की शायद अभी बार्सिलोना को ज़रूरत नहीं है, तो उसे डिफेंसिव ट्रेड्स की ज़रूरत है. तो एक रिस्की साइनिंग होगा बट एक ब्रिलियंट साइनिंग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. मोर ओवर जो प्राइस टैग है फैब्रिजो की तरफ से भी ये आया है, कैटलूनिया रेडियो की तरफ से भी ये खबर निकल करके आई है कि 40 से 50 मिलियन का जो है वो प्राइस लेवरक्यूसन को अगर पे करती बार्सिलोना तो फ्रिंपोंग को वो अपना बना सकती है. लेकिन दी ओनली प्रॉब्लम विद फ्रिंपोंग की साइनिंग इज दैट मैनी यूरोपियन क्लब्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू साइन फ्रिंपोंग. अब भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड भी अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, तो यहाँ पे एक बिडिंग वॉर छेड़ सकती है फॉर फ्रिंपोंग. अनटिल एंड अनलेस फ्रिंपोंग खुद आकर के ये नहीं जो है वो भाई स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैं जो है वो बार्सिलोना जाना चाहता हूँ, आई गेस बिडिंग वॉर हो सकती है. और बिडिंग वॉर में जो ज़्यादा बिड करेगा उसका फ्रिंपोंग हो जाएगा. फ्रिंपोंग से जब पूछा गया कि आपका क्या जो है वो कहना है इस पूरे ट्रांसफर के मैटर के बारे में, तो फ्रिंपोंग का कहना ये था कि भैया मेरा पूरा फोकस जो है वो यूरोस के ऊपर है, मैं जो है वो अभी ट्रांसफर के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ. तो देखो बार्सिलोना के जो है वो भाई रडार में तो फ्रिंपोंग है, 40 से 50 मिलियन इसकी साइनिंग कॉस्ट कर सकती है. लेकिन एक बिडिंग वॉर में बार्सिलोना पिट सकती है अगर जो है वो भाई फ्रिंपोंग खुद से आकर के क्लियर नहीं करता कि वो कौन सा क्लब जाना चाहता है, कौन सी नहीं क्लब जाना चाहता है. क्योंकि एट दी एंड लेवरक्यूसन तो ऑब्वियसली उसी क्लब को बेचेगी जो ज़्यादा पैसा देगा. और ऐसा भी हो सकता है कि लेवरक्यूसन ना भी बेचे. तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद फ्रिंपोंग एंड एफसी बार्सिलोना. बट यस, फ्रिंपोंग इज़ अ हाई भाई साहब पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन बार्सिलोना के जो है वो ट्रांसफर्स. अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है हमारे आइगोर स्टेमेक का स्टेटमेंट्स ऑन इंडियन फुटबॉल, जिसमें उन्होंने काइंड ऑफ इंडियन फुटबॉल को एक्सपोज कर दिया. सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो सवाल उठाए जा रहे थे इंडियन फुटबॉल के ऊपर, आइगोर स्टेमेक के ऊपर. आइगोर स्टेमेक के ऊपर ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे जब उनको सैक करा गया कि भैया यहाँ पे आइगोर स्टेमेक ने जो है वो काफ़ी गंदा जो है मैनेजमेंट दिया. तो आइगोर स्टेमेक बीइंग इन कॉन्ट्रैक्ट विद AIFF शायद वो जो है वो आकर के मीडिया में AIFF या फिर इंडियन फुटबॉल के खुलासे नहीं करें, जो हमको पता था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है अंदर, एकदम साफ पिक्चर तो नहीं है. लेकिन नाउ दैट ही इज़ नो लॉन्गर द कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम, तो भाई वो आकर के जो है वो कुछ खुलासे करें और कुछ बड़े खुलासे करें. आइगोर स्टेमेक के पूरे स्टेटमेंट्स जो है वो 90 स्टॉपेज करके एक जो है वो भाई पेज है ट्विटर का, वहाँ पे पूरा है, आप जा करके इत्मीनान से पढ़िएगा. लेकिन मैं कुछ जो है वो हाइलाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. आइगोर स्टेमेक का कहना ये है कि भाई मैं जो है वो इंडियन फुटबॉल में ओपन आर्म्स के साथ आया, लेकिन मेरे को जो है वो भाई यहां आकर के पता चला कि मेरे ओपन आर्म्स के आने के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था. यहां पे जो है वो भाई जो इंडियन फुटबॉल है वही जो है वो भाई उसकी हाथ ही हथकड़ी से बंधी हुई है. आगे वो ये भी कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पे मैंने कुछ भी अपने लिए आस्क नहीं किया था, मैंने हमेशा टीम के लिए ही आस्क किया. मैं ISL के मैचेस अटेंड करने जाता था लेकिन फिर मेरे को बाद में ये नोटिस हुआ कि फेडरेशन का बजट हिला दे रहा है. नाउ दिस इज़ वेरी शॉकिंग टू मी बिकॉज ISL को प्रमोट करने के लिए क्रिएटर्स को हायर किया जा रहा है, और जब क्रिएटर्स को हायर किया जा रहा है उनके लिए वो अलग बजट एलोकेट हो रहा है, तो कोच का ISL के मैचेस देखने के लिए अकोमोडेशन नहीं अरेंज कर सकती थी क्या फेडरेशन? तो यहाँ पे कहना ये है कोच का कि मैं ISL के मैचेस खेल देखने जाता था तो फेडरेशन का बजट हिल जाता था और इसी के चलते जो है वो भाई मैंने अटेंड करना मैचेस छोड़ दिया. लाइक ये तो बहुत शेमफुल चीज़ है भाई. आगे कुछ बोर्ड मेंबर्स के ऊपर भी यह सवाल उठाते कि IM Vijayan इज़ अ ग्रेट फुटबॉलर एंड लेजेंड इन इंडियन फुटबॉल बट नॉट द राइट पर्सन टू बी द चेयरमैन ऑफ टेक्निकल कमिटी. आगे वो ये भी कहते हैं कि भाई बिगेस्ट अचीवमेंट जो AIFF का 5 साल में है वो ट्रॉफीज जीतना नहीं है, वो भाई मेरे को चुप करवाना है क्योंकि जब भी मैं कुछ भी बात कहता था, कुछ भी चीज़ें करता था तो मेरे को समन्स इशू हो जाते थे, मेरे को जो है वो भाई शो कॉज नोटिस जो है वो भाई इशू हो जाता था. तो ये सब चीज़ें हो जाती थी और अब AIFF काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही है क्योंकि उनको मेरे को लगभग 2 से 3 करोड़ का कंपनसेशन देना है, जो AIFF के लिए काफ़ी बड़ा जो है वो अमाउंट है कंपनसेशन देने के लिए. तो अब वो भैया मार्केटिंग और मीडिया के चीज़ों में भिड़ी हुई हैं कि भाई कैसे जो है वो अरेंज करें
करेंगी इन फंड्स को मेरे लिए, लेकिन अब ये मेरा जो है वो टेंशन वाली बात नहीं है, इससे मैं मेरा मैटर नहीं है ये सब चीज़ें। आगे वो और भी कई सारे खुलासे करे कि जो हमारे चेयरमैन है AIFF के, वो जो है वो बड़े बड़े लेजेंड्स फुटबॉल के जो है वो भाई आइकन्स या फिर तुम कह सकते हो बड़े बड़े अथॉरिटी फिगर से मिलते हैं, हाथ मिला करके फोटो डालते हैं सोशल मीडिया में, बस अपना जो है वो भाई इमेज क्लीन करने के लिए या ऐसा दिखाने के लिए कि मेरी काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी है, ये है वो है। एक इन्फ्लुएंसर के साथ भी जो है वो भाई ये चीज़ें जो है वो भाई पोस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन ये सब झूठा है, ऐसा करके जो है मेरे को कुछ कहना था। प्रॉपर मैं लाइंस नहीं पढ़ पा रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास नहीं है। फिर से मैं कहूँगा दोस्तों, आपको अगर पढ़ना है आइगर स्मैक ने क्या क्या खुलासे करे, मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप जा करके स्क्रॉल करिएगा, थोड़ा नीचे आपको जाना पड़ेगा पेज में, पूरा उनका इंटरव्यू वहाँ पे है। अब दोस्तों इस इंटरव्यू से दो जो है वो भाई ग्रुप बढ़ चुका है। एक ग्रुप ये कह रहा है कि आइगर स्मैक सिंस अब सैक हो गए वो सिंपथी गेन कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द इंडियन फुटबॉल फैंस, और एक ग्रुप का कहना ये है कि भाई वो सिंपथी गेन करके करेगा क्या, वो तो ऑलरेडी कोच बन करके छोड़ चुका है, उसको ऐसा तो इंडियन है नहीं कि उसको इंडिया में रहना है कि वो मीडिया में अपना इमेज बना करके चलेगा, वो चला भाई दूसरे देश, उसको तो मतलब ही नहीं है, तो उसको सिंपथी गेन करना नहीं है। उसने सच में कुछ खुलासे कर रहे हैं। अब मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि भाई उसने अगर सिंपथी गेन किया है या नहीं भी किया है भाई, वो सब छोड़ो ना, सिंपथी जो वो बातें किया है वो तुम उसके ऊपर सवाल, जो उसके जो सवाल उठाए हैं उसके ऊपर तो आप नज़र डालो। अब इन सवाल का जवाब AIFF शायद दे, क्योंकि AIFF की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि हमको ये पता चला है कि हमारे एक्स कोच ने IMI स्टेटमेंट्स दी हैं, तो हम 48 घंटे के अंदर 48 आवर्स के अंदर जो है वो भाई एक स्टेटमेंट इशू करेंगे। नाउ दिस विल बी अ बैटल बिटवीन AIFF एंड आइगर स्टेमक, कि तूने हमारे बारे में बुरा बोला तो अब हम भी तेरे ऊपर एक स्टेटमेंट देंगे। तो अब देखो दोस्तों पॉपकॉर्न लेकर के बैठ जाइए, बिकॉज काफ़ी सारे खुलासे आइगर स्टेमक ने करे हैं, उसका रिप्लाई जो है वो AIFF की तरफ से आने वाला है। अब क्या यहाँ पे जो है वो कहानी होगी, क्या क्या चीज़ें मीडिया में आएंगी, क्या क्या चीज़ें पब्लिक में आएंगी, इस चीज़ के ऊपर जो है वो भाई नज़र बनी रहेगी। मैं आपको अपडेट दूंगा, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आइगर स्टेमक का ये इंटरव्यू हो या ना हो, हुआ हो सही कि नहीं हुआ हो सही, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि एक पिक्चर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई है कि जो AIFF के बोर्ड मेंबर्स हैं या फिर AIFF के जितने भी अथॉरिटी फिगर्स हैं, उन लोग ना उस कुर्सी में फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल नहीं बैठे हैं। दे आर जस्ट देयर टू इन्जॉय देयर पावर एंड अर्न मनी, फिल अप देयर पॉकेट्स एंड इन्जॉय। भाई उनको फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई है। एंड दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज मैंने आइगर स्टेमक का स्टेटमेंट हियर किया, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ बिकॉज हम भी तो इंडियन फुटबॉल को नज़दीक से देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं जो आइगर स्टेमक बातें कह रहा है वो सच का कह रहा है, हमने भी ये सब चीज़ें जो है वो नोटिस करी हैं। तो ये जो है ना भाई बड़े बड़े अथॉरिटी फिगर्स इंडियन फुटबॉल में, आई फील दैट दे आर सिटिंग जस्ट दे आर टू बी इन पावर, फील कि हाँ भाई हम पावर में हैं, हम चौड़ में हैं, एंड फिल अप देयर पॉकेट्स, यार कोई इंडियन फुटबॉल के बेटरमेंट के लिए वहाँ पे नहीं है। तो अब देखो क्या होता है भाई, अब AIFF के स्टेटमेंट का जो है वो इंतज़ार रहेगा, व्हाट आर दे गोना से अबाउट दिस होल सिचुएशन। खैर अगली खबर के ऊपर आ जाता हूँ, और वो है रोनाल्डो से रिलेटेड खबर। अब दोस्तों यहाँ पे रोबर्टो मार्टिनेज़ ने काफ़ी गजब का रिप्लाई दिए हैं एक जर्नलिस्ट को। सो जर्नलिस्ट का कहना कुछ ऐसा था कि क्या रोनाल्डो जो है वो 90 मिनट स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब भाई जर्नलिस्ट का ये जो कहना था कि 90 मिनट स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे रोनाल्डो अगली गेम में टर्की के, इसका जवाब जो रोबर्टो मार्टिनेज़ ने दिया ना भाई, कमाल का दिया। रोबर्टो मार्टिनेज़ ये कहते हैं उस जर्नलिस्ट को कि क्या मैं तेरे से एक सवाल पूछ सकता हूँ, जो जर्नलिस्ट बोलता है हाँ पूछिए। रोबर्टो मार्टिनेज़ कहते हैं कि रोनाल्डो पिछले सीज़न कितने गेम्स खेला है, तो जर्नलिस्ट कहता है कि उसने अल नसर का हर एक गेम खेला है। रोबर्टो मार्टिनेज़ कहते हैं साले देख तूने खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया। तो फिर जर्नलिस्ट काउंटर क्वेश्चन डाल करके ये बोलता है कि भाई मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि सऊदी अरेबिया का जो इंटेंसिटी रहता है वहाँ पे, जो फुटबॉल का इंटेंसिटी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है वहाँ पे। रोनाल्डो या फिर किसी भी अटैकर से ये जो है वो उम्मीद नहीं करा जा सकता कि वो प्रेस करे, प्रेशर डाले जो है वो भाई ओपोनेंट के ऊपर बॉल छीने, और वो चीज़ जो है वो रोनाल्डो सऊदी अरेबिया में नहीं करते हैं, विच आई डू नॉट अग्री। आई हैव सीन सऊदी अरेबिया के गेम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड रहते हैं भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जर्नलिस्ट का कहना ऐसा था। बाकी जर्नलिस्ट आगे ये भी कंटिन्यू करते हैं कि जो आपका अगला गेम होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड होगा, इंटेंसिटी से भरा होगा, और जो ओपोनेंट्स रहेंगे आपके वो होम ग्राउंड में भी जो है वो भाई आपके लिए एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो ये मेरा सवाल था। तो हमारे रोबर्टो मार्टिनेज़ का जवाब था कि भाई ऑलरेडी मैंने ये बता दिया कि रोनाल्डो जो है वो हर एक गेम खेलें पिछले सीज़न, तो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, 90 मिनट खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं, इसका तो मैं अब क्या ही जवाब दूँ। रोनाल्डो की फ़िटनेस के ऊपर अगर आपका सवाल है, तो हमारे जितने भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से रोनाल्डो हर चार दिन में एक 90 मिनट का गेम खेल सकते हैं, वो इतने ज़्यादा फिट हैं। आगे रोबर्टो मार्टिनेज़ ये भी कहते हैं कि भाई जो प्रेशर लेने की बात हो रही है, तो कोई भी प्लेयर जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल ही नहीं कर सकता जितना रोनाल्डो कर सकते हैं। रोनाल्डो ने 6 यूरोज़ में जो है वो खेला है भाई, और कोई भी दूसरा प्लेयर 6 यूरोज़ में नहीं खेलते हुए आए हैं।
आगे वो ये भी कहते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है ये जानना कि रोनाल्डो क्या टेबल में लेकर के आते हैं। रोनाल्डो ब्रिंग्स एक्सपीरियंस, रोनाल्डो ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज टू गोल, अ वे टू ओपन अप स्पेसेस। रोनाल्डो इज इन द नेशनल टीम बिकॉज ही डिजर्व टू बी हियर। उसका नाम रोनाल्डो है इसलिए उसको नहीं रखे हैं भाई, वो डिजर्व करता है यहाँ होना। उसने 50 गोल्स मारे हैं 51 गेम्स में पिछले सीजन, तो इसके चलते वो यहाँ पे है। आगे वो ये भी कहते हैं कि जस्ट लुक व्हाट ही हैज डन एंड व्हाट ही हैज डन इन द लास्ट कॉम्पिटिशन। आगे टर्की का मैनेजर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिगार्ड और प्रेस रखते हैं रोनाल्डो के लिए। टर्की का मैनेजर ये कहते हैं कि रोनाल्डो इज एन इनक्रेडिबल प्लेयर, ही इज अ प्लेयर हु कैन स्कोर 50 गोल्स इन अ सीजन। आई कैन से दैट इट विल बी अ डिफिकल्ट मैच बिकॉज दे हैव सच अ प्लेयर। तो यहाँ पे दोनों मैनेजर का काफ़ी ज़्यादा हाई रिगार्ड और प्रेस है रोनाल्डो के ऊपर। रही बात रोनाल्डो बेंच होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज़ जो है वो रोबर्टो मार्टिनेस शुरुआत से क्लियर करते हुए आए हैं कि भैया उनको कोई भी प्लान नहीं है रोनाल्डो को बेंच करने के लिए। रोनाल्डो को उन्होंने जो है वो यूरोस क्वालीफायर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और काफ़ी ज़्यादा गोल्स भी रोनाल्डो ने मारा। तो भाई एक सवाल ही नहीं है कि रोनाल्डो को बेंच करने वाले हैं यहाँ पे जो है वो भाई पुर्तगाल के मैनेजर, उन्होंने अपने इंटरव्यू से भी ये चीज़ क्लियर कर दी। लेकिन रोनाल्डो से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है काफ़ी सारे फैंस की, सभी फैंस की, इवन मैनेजर की भी, कि रोनाल्डो जो है वो ऑब्वियसली कुछ गेम पे दें। अब रही बात भाई मेरे ओपिनियन की, तो मैं अपने ओपिनियन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गाली आज तक खाते हुए आ रहा हूँ कि मैंने वो गेम में क्या मैं बोल दी कि रोनाल्डो ने थोड़ा सा घोष्ट किया। लोग अभी तक मेरे ऊपर जो है वो भाई नाराज उस चीज़ से ऊपर। देखो दोस्तों, मेरा ओपिनियन मैटर करता है ही नहीं है, ठीक है, मैनेजर का ओपिनियन मैटर करता है। जब दोनों मैनेजर प्रेस करते हैं रोनाल्डो को तो इसमें फिर क्या ही बात है। और मैं कहीं ना कहीं अग्री करता हूँ रोनाल्डो के ऊपर जो ओपिनियन मैनेजर्स ने दिए हैं उससे, मैंने तो वो बात कही नहीं थी। मैं तो ऑब्वियसली भाई यही कहता हूँ कि रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है जो अगर पिछले गेम में थोड़ा सा ऑफ था तो अगले गेम में वो हैट्रिक मारने की भी औकात रखता है भाई। तो रोनाल्डो एक ऐसा खिलाड़ी है और रोनाल्डो के लिए हाई रिगार्ड हाई प्रेस मेरे से हमेशा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मैं हमेशा रोनाल्डो के लिए हमेशा हाई प्रेस और हाई रिगार्ड ही रखता हूँ। रही बात भाई मैसी की, तो कल के वीडियो में मैसी से रिलेटेड भी मेरे कमेंट सेक्शन में लोग भर गए थे कि मैसी ने घोष्ट किया, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला, ये वो। हाँ भाई, अब तो मैसी ने घोष्ट किया ना, अब बोलो, अब बोलो। अरे भाई, आपने मेरी वीडियो देखी नहीं, मैंने क्लियरली वहाँ पे जो है वो बात कही कि मैसी ने जो है वो भाई दो चांसेस मिस करे, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू मिस दोज चांसेस। मोर ओवर आई ऑल्सो क्लियरली स्टेटेड दैट मैसी भी एक एवरेज फिनिशर के तरीके से नजर आए, वी ऑल एक्सपेक्टेड मैसी टू फिनिश दोज चांसेस। लेकिन The point which I wanted to make in the last video जिसमें मैंने रोनाल्डो के ऊपर सवाल उठाया था, और इस वीडियो में भी, देखें मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ इसके बाद। देखो वैसे क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्लियर करूँ या ना करूँ जो ओपिनियन आपने मेरे ऊपर बना के रखा है वो तो आपका ओपिनियन रहेगा ही। लेकिन स्टिल द थिंग इज दैट वेन अर्जेंटीना वॉज क्लियरली स्ट्रगलिंग फॉर द गोल इन द वेरी फर्स्ट हाफ अगेंस्ट कनाडा, दे हैड नो आउटलेट्स बाई, इवन मैसी वॉज स्ट्रगलिंग, दी अर्जेंटीना का पूरा टीम वॉज स्ट्रगलिंग फॉर स्कोरिंग अ गोल। But in the very second half, the point of difference in that game was Leo Messi himself. Even though Leo Messi did not finish those 3 or 2 chances which he had when he won against the goalkeeper, but us game mein the point of difference was Leo Messi. The very first goal was made by Leo Messi. Wo pass incredible Leo Messi ka tha McAllister ko. McAllister का एक थोड़ा सा टच था जूलियन अल्वारेस के ऊपर, जूलियन अल्वारेस के पास एक ओपन गोल था जिसमें उसने गोल मारा, बट दैट होल प्ले वॉज ऑर्गेस्ट्रेटेड बाय लियो मेसी। द सेकेंड गोल वॉज गिवन बाय लियो मेसी, वो असिस्ट था लियो मेसी का, एंड दैट वॉज नॉट अ ऐसी अंडू बंडू असिस्ट की ए प्ले ले पास और जा पूरा स्ट्राइकर जाके गोल मार रहा है। इट गेम थ्रू एन इनक्रेडिबल पास जो दो प्लेयर के बीच से निकल करके जाता है। तो भाई लियो मेसी पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे अर्जेंटीना के लिए। अगर अर्जेंटीना के लिए मेसी नहीं रहते तो वो दो गोल बनते ही नहीं, और शायद अर्जेंटीना गोल मार भी नहीं पाती जितने गंदे तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे थे। मेसी इवन हैविंग अ हाउलर, ही हैड अ मैच रेटिंग ऑफ 8 समथिंग इन द गेम। टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो, वॉज रोनाल्डो द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन पुर्तगाल वाला गेम? वी ऑल एक्सपेक्ट रोनाल्डो टू बी द पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉर पुर्तगाल। व्हेन पुर्तगाल इज स्ट्रगलिंग इन द गेम, वी ऑल एक्सपेक्ट रोनाल्डो टू स्टेप अप एंड स्कोर गोल्स और गिव असिस्ट या डू समथिंग जो रोनाल्डो करते हैं, जो हमने सऊदी अरेबिया में रोनाल्डो को करते हुए लगातार देखा है। जब अल नसर स्ट्रगल करती थी गोल्स के लिए, रोनाल्डो स्टेप अप करते थे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग रोनाल्डो टू स्टेप अप अगेंस्ट पुर्तगाल वाले मैच में, तो वो हुआ नहीं। इसी के चलते मेरे हिसाब से थोड़ा सा लो काइंड ऑफ परफॉर्मेंस था रोनाल्डो का। और रही बात मैसी की, भाई हमने कॉल आउट किया मैसी के परफॉर्मेंस को भी कल दोनों वीडियो में। वीडियो का एक टाइटल ही है मैसी ने चांसेस मिस करे, एक थंबनेल में लिखा है भाई मैसी जो है वो भाई मिस्ड चांसेस। तो क्या बात करते हो भाई, द थिंग हियर इज दैट यहाँ पे ना चाटुकारिता आपको नहीं मिलेगी। इवन दो आई एम अ मैसी फैन, आई विल नॉट भाई कंप्लीटली ब्लाइंडली गो एंड प्रेस लियो मैसी हियर एंड आउट। अगर मैं चाहता तो मैं कल की वीडियो में बोलता ना कि अरे मैसी ने दो फिनिश नहीं किए चांस, तो देखो उसने चांसेस तो क्रिएट करे, उसने ये तो किया वो तो किया। भाई मैं क्लियर था, मिस किया तो किया,
यही चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। और कहीं ना कहीं इस ऑनेस्टी का मैं खामियाजा भुगतता हूँ। मैं मैसी फ़ैन से भी गाली खाता हूँ, मैं रोनाल्डो फ़ैन से भी गाली खाता हूँ। काश मैं दूसरे क्रिएटर्स के तरीके से बात कर पाता, काश मैं दूसरे क्रिएटर्स के तरीके से बस आपके फेवरेट प्लेयर को प्रेस करता, इवन वो गंदा परफॉर्मेंस दिया ही हो, तो फिर आप भी जो है वो मेरे साथ रहते कि एक है जी भाई आप मेरे फेवरेट जो है वो फुटबॉलर को प्रेस करते हो, तो मैं आपका जो है वो हर वीडियो लाइक करता हूँ। मैं सच बोल देता हूँ तो मैं वो हो जाता हूँ, ये तो साला, ये तो रोनाल्डो हेटर, ये तो मैसी हेटर है, ये सच बोल देता है। भाई आपको यहाँ चाटुकारिता नहीं मिलेगी, आई एम रियली सॉरी। अगर आपको चाटुकारिता चाहिए तो आप फिर दूसरे चैनल्स के पास जाइए, मैं नहीं करता हूँ। मैसी गंदा खेला बोलूंगा, रोनाल्डो गंदा खेला बोलूंगा, मेरा अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज जय हिंद, बाय बाय। डीएनए भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज, दिमाग में चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ।